वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे और अपने सामने अगेन खड़ी है टाटा की पंच। गाड़ी का सारा कुछ काम जो है कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मिलते हैं हमेशा की तरह राजन भाई से। राजन भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो राजन भाई कौन सा वेरिएंट रहने वाला है ये पंच का? ये वेरिएंट की बात करें तो बेस वेरिएंट रहने वाला है अपना। हाँ जी, जिसको हमने बेस से टॉप बना दिया बिल्कुल ऊपर वाला। ठीक है जी जी। तो अगर हम बात करें सामने लुक की तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करें इस वाली गाड़ी की जो कि अपने पास अभी जस्ट आई हुई है बिल्कुल बेस वेरिएंट, तो आपको बहुत सारे चेंजेस जो है इसमें देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो अपडेट की बात करें, क्या कुछ अपडेट रहने वाला है इस वाली कार? अपडेट की बात करें तो फ्रंट से देखेंगे फॉग लाइट नहीं आती है बेस मॉडल के अंदर, तो फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है जो कि अपने अपना मिंडा कंपनी की रहने वाली है। तो यहाँ मिंडा की रिले भी लगाई है इस गाड़ी के अंदर हमने। ठीक है जी। और अपना हैलोजन के साथ ये जो कंपनी फिट आता है सेम वैसा ही लगा दिया गया है। तो मिंडा की फॉग लाइट है, मिंडा की ही रिले वायरिंग का इस्तेमाल किया गया है जी। तो प्रॉपर सेटअप जो है मिंडा का ही रहने वाला है। बिल्कुल। पर रेटिंग के साथ आप रेट के साथ बात करें तो 1200 रुपए की फॉग लाइट लगाई है और 800 रुपए की रिले लगाई है, पूरी फिटिंग करके इसको प्रॉपर हमने दे दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट करेगा अपना? नेक्स्ट की बात करें तो ऊपर हमने इसके पंच की बैजिंग लगाई है जो की अपनी ग्लोसी ब्लैक की रहने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी का जो हमने पूरा जो लुक बनाया है वो ब्लैक एंड व्हाइट का बनाया है। ठीक है जी। तो क्या आप चेक करोगे पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाएगा व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ में। साथ में तो पंच की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह आती है? इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो 550 की आपकी कॉस्टिंग आती है इसकी प्रॉपर फिटिंग करके। ठीक है जी। नेक्स्ट करेगा राजन भाई? नेक्स्ट की बात करें तो ग्लोसी किट का इंस्टॉलेशन कर दिया इस गाड़ी के अंदर हमने, जो कि आपको 10 पीस की देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इसका जो हेडलाइट वाला पार्ट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हेडलाइट के ऊपर जो है ग्लॉस फिनिश आपको देखने को मिल जाने वाला है। आगे मूव करें अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड मिरर के ऊपर भी जो ग्लॉस इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये नया डिजाइन है, मतलब मिलेगा ना ये? मिलेगा। बाकी अपने नए डिजाइन में जो है वो आ चुका है और यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ तरीके से लाइन इंसर्ट जो है वो रहने वाला है, मतलब इसके अंदर भी अपना अपडेट जो है वो आएगा। अपडेट है। बाकी अपने डोर हैंडल जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये भी ग्लॉसी ब्लैक हो चुके हैं। आउटसाइड जो डोर हैंडल्स है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी रियर वाले, और टेल लाइट जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ तरीके की फिनिशिंग के साथ जो है ग्लॉसी फिट इस वाली कार में इंस्टॉल करी गई है। अब से आपको यही वाला डिजाइन देखने को मिलेगा हमारे पास, क्योंकि हमने डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया है। हमारे कस्टमर थोड़े बोर हो गए थे कि भैया एक ही ग्लॉसी किट लगाए जा रहे हो, तो डिजाइन में काफी चेंज है। जैसे साइड मिरर पे आपने देखा लाइन वाला डिजाइन है, पीछे आपको ट्रिपल वाला डिजाइन मिल जाएगा। ये तो ये आपको डिजाइनिंग चेंज मिलेगा, ग्लोसी किट है। और रेट हमने नहीं बढ़ाया, इंक्रीज नहीं कराया, क्वालिटी इंक्रीज कर दी है। 2000 रुपये मात्र आप ये ग्लोसी किट लगा सकते हैं। और किस तरीके का फिट फिनिश रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गई बात ग्लोसी किट की, इसके अलावा क्या रहने वाला अपना? इसके अलावा साइड से बात करें, उस साइड चले, इस साइड चले। इसके अलावा राजन भाई क्या रहने वाला अपना? एक सेकंड। बाकी अपने नए डिजाइन में जो है वो आ चुका है और यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ तरीके से लाइन इंसर्ट जो है वो रहने वाला है, मतलब इसके अंदर भी अपना अपडेट जो है वो आएगा। अपडेट है। बाकी अपने डोर हैंडल जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये भी ग्लॉसी ब्लैक हो चुके हैं। आउटसाइड जो डोर हैंडल्स हैं उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी रियर वाले, और टेल लाइट जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ तरीके की फिनिशिंग के साथ जो है ग्लॉसी फिट इस वाली कार में इंस्टॉल करी गई है। अब से आपको यही वाला डिजाइन देखने को मिलेगा हमारे पास, क्योंकि हमने डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया है। हमारे कस्टमर थोड़े बोर हो गए थे कि भैया एक ही ग्लोसी किट लगाए जा रहे हो, तो डिजाइन में काफी चेंज है। जैसे साइड मिरर पे आपने देखा लाइन वाला डिजाइन है, पीछे आपको ट्रिपल वाला डिजाइन मिल जाएगा। ये तो ये आपको डिजाइनिंग चेंज मिलेगा, ग्लोसी किट है। और रेट हमने नहीं बढ़ाया, इंक्रीज नहीं कराया, क्वालिटी इंक्रीज कर दी है। 2000 रुपए मात्र आप ये ग्लोसी किट लगा सकते हैं। और किस बात हो गई अपनी ग्लोसी किट की, इसके अलावा क्या रहेगा राजन भाई? ग्लोसी किट के बाद हम देखेंगे अपना व्हील कवर। व्हील कवर जो कि अपने टाटा जेन्युइन लोगो के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और इसकी कॉस्टिंग भी हमने घटा दिया है। अभी आपको 1000 रुपए की मात्र कॉस्टिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी टाटा जेन्युइन लोगो के साथ आप फिटिंग करा सकते हैं, वही अच्छी क्वालिटी के साथ आप ये देखने को मिल जाएगा। सस्ता चाहिए 500-600 रुपए तक का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर है, तो ये आपका 1000 रुपए की कॉस्ट करता है, जो कि आपको जेन्युइन सारे वीडियोस में देखने को मिलता ही है। और बहुत अच्छी इसकी जो अपनी क्वालिटी वर्क जो है वो रहने वाला है, सेम पैटर्न में सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप इसके सस्ते में भी ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे डोर गार्ड। डोर एज गार्ड भी इस गाड़ी के अंदर लगा दिया है, जो कि अपना एज प्रोटेक्शन के लिए जो है वो रहेगा, और 4 पीस में जो है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाने वाला है। अगर हम मूव करें कार के ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आप चेक करोगे सबसे पहले डोर वाइजर्स, तो यहाँ पे अपने जो कार्बन फाइबर फिनिश के डोर वाइजर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, स्मोक फिनिश के साथ रहने वाले हैं। पंच की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो क्या रहेगी? कॉस्टिंग की बात करें तो मात्र 500 के अंदर आप ये मेरे से लगवा सकते हैं,
और क्वालिटी बेस्ट रहेगी डोर वायर की। आप देख सकते हैं कहीं से आपका टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, फ्लेक्सिबल। और देखो मैं आपको हर चीज़ की क्वालिटी की गारंटी भी देता हूँ और रेट भी अब साथ के साथ बता ही रहा हूँ। मेरे फिर भी कस्टमर हर बार यही मेरे से शिकायत करते हैं कि भैया आप रेट नहीं बताते, तो मैं इससे ज़्यादा रेट कैसे बताऊँ। मैं हर चीज़ का एक एक आपको रेट बता रहा हूँ, तो लेकिन आपको ये करना ही है, आप वीडियो पूरी देखो मेरी, प्रॉपर आपको वीडियो में रेट मिलेगा हर चीज़ का। और कहीं पर भी आपको लगे कि रेट आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो चीज़ क्वालिटी के ऊपर रहेगी, क्योंकि इसकी ये चीज़ सस्ती भी आ जाती है जी। डोरवाइजर भी उस चीज़ के बारे में डिस्कशन आप मेरे से ऑन शॉप बैठ के कर सकते हैं। मैं आपको आपको दोनों में फ़र्क भी दिखा दूंगा कि भैया इसके जो कम वाली चीज़ है वो कैसी मिल रही है और ये वाली चीज़ आपको कैसी मिल रही है। ठीक है जी, तो डोर वाइजर की बात हो चुकी है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इस कार के ऊपर टेपिंग का काम जो है वो भी किया गया है, जिसमें आप चेक करोगे एवरी डेंसन की जो टेपिंग है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी जा चुकी है। कार का जो अपना ए पिलर वाला पार्ट है उसके ऊपर आप टेप चेक कर सकते हैं। साइड वाले पोर्शन के ऊपर टेपिंग वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। सेम एज अगर आप रूफ़ पे देखोगे तो रूफ़ के ऊपर भी टेपिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी सफाई से काफ़ी अच्छा काम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। टेपिंग जो है वो करी गई है अपनी एवरी डेंसन की, और टेपिंग जो करी है अपनी एवरी डेंसन कंपनी की करी है, जो कि जेन्युइन हम एवरी डेंसन की करते हैं, कॉपी वाली नहीं करते हैं। कॉपी वाली में क्या 1500-2000 रुपए में करा लोगे, दुकानदार आपको 2500 भी लगा देगा लेकिन फिर वो बाद में आपको ही नुकसान देगी। देखो मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ, मेरे जो रेट रहते हैं ना वो सारे एकदम बहुत ही ज़्यादा आपको कंपटीशन वाले रेट मिलेंगे और चैलेंजिंग रेट मिलेंगे। मैं मार्केट से चैलेंजिंग रेट बेचता हूँ, लेकिन आप जो है ना बस क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे तो वो चैलेंजिंग रेट बिल्कुल बने रहेंगे। अगर आप घटाएंगे क्वालिटी को तो वो रेट कम भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो एक बार टेपिंग भी दिखा देता हूँ किस तरीके से होती है। तो इस गाड़ी के अंदर अभी चालू है ये रैपिंग का काम अपना, तो यहाँ पे आप चेक करोगे प्रॉपर पहले सरफेस को क्लीन करके उसके बाद टेपिंग को जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आप टेप चेक कर सकते हैं और ये अपनी एवरी डेंसन की रहेगी, उसके लिए आप यहाँ पर जो है इसका चेक कर सकते हो। टेप के पीछे वाला पार्ट ये रहने वाला है, यहाँ पे आपको एवरी डेंसन की जो प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाने वाली है। इस क्वालिटी का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि कभी ये फेड वगैरह का जो इशू है वो आपको इसके साथ नहीं आने वाला है। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद छत के ऊपर हमने देखेंगे रूफ रेल का इंस्टॉलेशन करा, जो कि अपनी गैलियो कंपनी की रहने वाली है। मात्र 1500 रुपये की कॉस्टिंग से आप ये मेरे से लगवा सकते हैं और गैलियो कंपनी की लगवा सकते हैं, लोकल नहीं लगाऊंगा और किसी कंपनी की। अगर आप लोकल लेंगे तो 1200-1300 में मिल जाएगी आपको, लेकिन वो आगे से उठी रहेगी, पीछे से उठी रहेगी, क्वालिटी हल्की होगी, कोई फ़ायदा नहीं है भैया। और ये भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। आप यहाँ पर इसकी शाइन देख सकते हो, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि नॉन ब्रांडेड काम जो है वो किया गया है। अगर गैलियो की आपने मांगी है तो आपको गैलियो की ही प्रोवाइड करी जाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज़ की आपको जो है यहाँ पे गारंटी मिलेगी, जो चीज़ बोली गई है वो लगाई जाएगी, जो चीज़ नहीं बोली गई वो आपको नहीं मिलेगी। रूफ रैपिंग का खर्चा जो आएगा आपका 3000 रुपये का आएगा, रूफ रेल का खर्चा जो आएगा 1500 रुपये का आएगा। उसके बाद हम ऊपर आएंगे, ये अपना स्पॉइलर लगाया जो कि अपनी एमटेक कंपनी का रहने वाला है, मतलब सबसे सुपर और सबसे इम्पोर्टेड और सबसे बढ़िया वाला ये स्पॉइलर अपना रहने वाला है। इसके अंदर आपको इससे थोड़ा कम वाला चाहिए तो लाइट वाला मिल जाएगा, उससे भी कम चाहिए तो बिना लाइट वाला मिल जाएगा। 1500 रुपये से स्पॉइलर स्टार्ट हो जाता है, 2500 फिर ये 4500, तो तीन रेंज जो है वो अपने पास अवेलेबल मिल जाती है। मिल जाती है, ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी का जो स्पॉइलर है वो रहने वाला है। और जिसकी जिस कंपनी की आपने जनरली जीटी किट देखी है वो वही कंपनी एमटेक रहने वाली है जी। और इसमें भी आपके पास कलर की ऑप्शन है, आप चाहो तो वाइट कलर भी लगवा सकती हो, अगर आप ग्रे कलर की गाड़ी लेकर के आते हैं ग्रे कलर भी लगवा सकती हो, या आपके पास कोई सी भी कलर की गाड़ी है आप उस तरीके का परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की तरफ शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल रहने वाला है, जो कि आप चेक करोगे ये भी अगेन ग्लॉसी ब्लैक के ही फिनिश के साथ यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये राजन भाई वर्किंग रहेगा या नॉन वर्किंग? ये वर्किंग रहने वाला भैया। ठीक है जी। तो हमने शार्क एंटीना भी लगाया प्लस उसकी वायरिंग भी करी है पूरी आगे से पीछे रखी, और वो भी जो है कोई वायर कटिंग का इंस्टॉलेशन वायर कटिंग का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर जो है कपलर टू कपलर काम इसमें भी किया गया है। बिल्कुल। बाकी रियर से अगर हम बात करें रियर से क्या कुछ रहने वाला है, तो रियर से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रियर गार्ड का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और ये ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ जो है वो रहने वाला है। इसमें भी आपके पास ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। बाकी रियर व्यू कैमरा जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। कैमरा आप यहाँ पर देखें, कैमरे का आउटपुट कैसा कुछ आएगा वो इंटीरियर में चलेंगे और आपको दिखा देंगे। इंटीरियर से क्या कुछ रहने वाला राजन भाई? इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले अपने सीट कवर पे आ जाएंगे भैया। ये अपने सबसे अल्ट्रा प्रीमियम वाले सीट कवर अपने रहने वाले हैं। इन सीट कवर में क्या होता है ना, अपने पास 3500 से स्टार्ट हो जाती है क्वालिटी और 6500 तक की क्वालिटी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। मतलब कि आपको सेम डिज़ाइन के अंदर 3500 वाला भी मिल जाएगा, 5500 वाला भी मिल जाएगा और 6500 वाला भी मिल जाएगा। तो इनके अंदर वैरायटीज जो है वो रहती हैं। सेम कलर के अंदर आपको तीनों आपको अमाउंट में ये मिल जाएगा। और सीट कवर की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो आप इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते ऑन वीडियो कि ये कौन सा सीट कवर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, 3500 वाला है, 5500 वाला है या 6500 वाला है। आप जो है जब तक इसको टच एंड फील नहीं करोगे, कपड़े को आप जब छू के देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा क्या डिफरेंस रहेगा। आप शॉप पर विजिट करिए और आपको इसके बारे में डिटेल दे दी जाएगी। बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें तो नीचे हमने
फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन कर दिया है जो कि अपनी डाई वाली रहने वाली है, जो अपनी प्रॉपर हम लगाते हैं, और ये क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। मात्र 2000 रुपए की कॉस्टिंग से आप ये भी मेरे से लगवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अपनी हो चुकी है, पूरा फ्लोर कवर करेगा, यहाँ से लेकर के अपना कंप्लीट फ्लोर जो है पीछे तक सीट तक का सारा पार्ट जो है वो रहने वाला है कवर। कल को आपको साफ सफाई करनी है तो आप बहुत ही आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। पानी गिरेगा, कोई चाय गिरेगी, कॉफी गिरेगी, कोल्ड ड्रिंक गिरेगी, तो उसको भी साफ करना आपके लिए आसान हो जाएगा जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसी के ऊपर जो है वो अपने फ्लोर मैट भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि अपने SIPL प्रो सीरीज के अंदर रहने वाले हैं। SIPL के अंदर एक नॉर्मल भी आता है, ये प्रो सीरीज का रहेगा जो कि आपको एच टू एच फिटिंग के साथ रहेगा। LM मैट है तो आप इसको लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं, एक बार आप इंस्टॉल करवाइए, क्लीन करते जाइए और अपना इस्तेमाल करते जाइए। बिल्कुल, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर हमने जो एम्बियंट लाइट का भी इंस्टॉलेशन कर दिया है। इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एम्बियंट लाइट के अंदर जो है ना मार्केट के अंदर आजकल बहुत सारी क्वालिटी आ रही है, तो अब जो रेट चालू है ना वो 2500 रुपये से चालू हुआ है एम्बियंट लाइट का, 2500, 3500, 4500। बेसिकली 2500 वाली जो आपकी एम्बियंट लाइट रहेगी ना वो आपको विदाउट गारंटी मिल जाएगी, क्वालिटी थोड़ी हल्की होगी। फिर आएगी 3500 वाली, गारंटी आपको भले ही एक साल की दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी एग्जैक्टली हल्की रहेगी। फिर आती है 4500 की जो कि हम लगाते हैं एक्सट्रीम कंपनी की, इसमें आपको गारंटी भी एक साल की मिलेगी प्लस क्वालिटी अल्टीमेट रहेगी आपकी, कभी ख़राब ही नहीं होगी और प्रॉपर आपको रोशनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आपके पास इसमें भी ऑप्शन अब अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट का जो इंस्टॉलेशन है कहाँ कहाँ किया गया उसकी अगर हम बात करें तो चार पीस जो है वो आपको इसके दरवाजे वाले पार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दो पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है इसके डैशबोर्ड के ऊपर, एक पीस यहाँ पर है, एक पीस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है, यानी कि 6 पीसेज में रहेगी। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 10 पीसेज, 14 पीसेज या फिर 18 पीसेज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगवा सकते हैं, बट डिसेंट जो है वो अपना 6 या 10 ही रहता है। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो वो थोड़ा सा आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा, इसकी प्लेसमेंट भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ लगवानी है, यहाँ लगवानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल कलर के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से कलर को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास है K3 आती है, K4 आती है, तो उसको भी आप जो है अपने हिसाब से कनेक्ट करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आप चेक करोगे डुअल टोन के फिनिश के साथ स्टीयरिंग रैप जो है वो यहाँ पे किया जा चुका है, जिसमें आप देखोगे अपर पोर्शन में ब्लैक इंसर्ट है, लोअर पोर्शन पे आपको जो है इंटीरियर मैच के हिसाब से जो फिनिश है यानी कि लाइट ग्रे वो आपको देखने को मिल जाने वाला है, और ये डुअल टोन मूनलाइन के साथ जो है वो अपना रहने वाला है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे सेल्फ माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं अपने टाटा जेन1। यहाँ पे आप चेक करोगे वॉल्यूम माइनस हो रही है, प्रॉपर स्टूडियो में वर्किंग, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट का बटन वर्क करेगा और BT वगैरह के सारे बटन आपको प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। और हम बात करें अगर स्टूडियो की तो इस वाली कार के अंदर जो है एडिशन ब्रांड का स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हो। 9 इंच की अपनी स्क्रीन साइज रहने वाली है, टच का रिस्पॉन्स वगैरह भी अभी आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ जो है इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो रहने वाला है। और इसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक करोगे टच का रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, कोई भी लैग आप इसके अंदर फील नहीं करने वाले हैं। कई सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, प्ले स्टोर, मैप आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इसको आप जो है नेट अभी कनेक्ट नहीं है तो अपना ये जो है धीरे चलेगा। इसमें भी आपको कई सारे एप्लीकेशन जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, मैप, प्ले स्टोर आपको मिल जाता है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स आपको मिल जाता है, जेड लिंक है, डिज़्नी प्लस हॉटस्टार दिया गया है। जेड लिंक के थ्रू आप इसके साथ एंड्रॉइड एप्पल कापले को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रियर व्यू कैमरा मैंने आपको दिखाया, कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। AHD नाइट विजन कैमरा जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और आउटपुट बहुत ही शानदार आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस वाली कार में स्पीकर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, टाटा जेन1 रहने वाले हैं चारों के चारों, जो कंपनी आपको इसके अपर मॉडल में ऑफर करती है सेम स्पीकर इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी आप चेक करोगे तो यहाँ पे अपनी एक वेलकम प्लेट लगाई गई है, जो कि रहने वाली है स्टील प्लेट के अंदर, चारों दरवाजों के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, पंची प्रॉपर बैजिंग के साथ ही रहने वाली है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 जेन1 अपडेट भी किए गए हैं, जैसे कि आप चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे बटन प्रेस किया मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे, अगेन मैं बटन प्रेस करूँगा मिरर अपने अनफोल्ड हो जाते हैं, जो कि रहने वाले हैं अपना की के साथ सिंक्रोनाइज, यानी कि जैसे कि गाड़ी को मैं करूँगा गाड़ी को लॉक तो यहाँ पे मिरर जो है वो हो जाएंगे फोल्ड, गाड़ी को अनलॉक करूँगा मिरर अपने अनफोल्ड हो जाते हैं, प्रॉपर की के साथ जो है अपना सिंक रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पावर विंडोज़ के अंदर भी अपडेट रहने वाला है, तो पावर विंडोज जो है टाटा जेन1 लगाई गई है, जिसके अंदर क्या रहेगा कि आप ड्राइवर साइड से जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे विंडो डाउन हो रही है, विंडो प्रॉपर अप हो रही है, यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्किंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ जो है वो भी आपको यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप प्रॉपरली इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आप चाहो तो RD ब्रांड की भी लगवा सकते हो, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रियर में कंट्रोल मिलेंगे, फ्रंट में नहीं मिलते हैं।
इसमें जो है वो अपने चारों पावर विंडोज के साथ जो है इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे चाबी के अंदर भी अपडेट रहेगा, आरडी कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग के साथ फ्लिप की का जो अपडेट है वो किया गया है, जिसमें फ्लिप की का फंक्शन इस तरीके से वर्क करेगा। तीन बटन आते हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक का, सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा, आरडी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी के साथ जो है ये भी कंप्लीट सेटअप अपना आने वाला है। तो ये सब अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को चेक करवा दिए हैं। आपके पास ऑप्शन और भी हैं, आप बहुत सारे अपडेट जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, जो कि हम लोग आपको रेगुलर वीडियोस के अंदर दिखाते रहते हैं। बाकी अब मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ और जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। तो दोस्तों राजन भाई ने कार की सभी एक्सीज हमें दिखा दी है, मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं खजूरी खास थाने से। खजूरी खास से, तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे साथी ने काम करवाया था यहाँ पहले मतलब एज अ रेफरेंस जो है वो आपको यहाँ के बारे में मालूम पड़ा है। हाँ, उन्हीं से। तो जितनी चीज़ों की आपको अपनी कार के लिए रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? हाँ, सारा काम। बात की जाए अगर फिट फिनिश वगैरह की, कैसा लगा काम आपको? काम बढ़िया हुआ। कहीं कुछ कमी वगैरह फील करी? कोई कमी नहीं, बढ़िया हुआ। सब कुछ एज इट इज़ अच्छे तरीके से जो है वो हो चुका है। सारे काम को नंबरिंग की अगर हम बात करें, 10 में से आपको रेट करना हो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं तो पूरा देना चाहूँगा। कंप्लीट नंबर्स रहने वाले हैं। बजट वगैरह की बात करें, किस बजट में गाड़ी काम हो गया सर अपना? बजट मेरा यही है, सही जो बजट मैंने देखा था उसी हिसाब से हो गया लगभग। मतलब कि आपको जो वीडियोस में दिखा देखने को प्राइस वगैरह मिलते हैं वो सेम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं? हाँ, वही बस थोड़ा 19-20 का थोड़ा बड़ा जाता है। मतलब ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है ऐसे? वही अब जो जिस हिसाब से देखते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है बेसिकली। तो वर्थ फुल है सारा काम? सारा बढ़िया काम। जैसे आपको किसी ने रिकमेंड किया, कल को आपको रिकमेंड करने का मौका मिले तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप? रिकमेंडेशन जो है वो अपना मिलने वाला है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद।